तो चलो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 चंद्रमा पर खरगोश रीड करते हैं। एक खरगोश था, वह जंगल में रहता था। एक दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वह बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। जो खरगोश जो जंगल में रहता है, तो उसके पास कौन आया? एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी आप समझते हो जैसे आपके दादाजी की आयु के समान। और वह खरगोश से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। खरगोश ने कहा, ठहरिए महाराज, मैं झरने का मीठा पानी लाता हूँ। तो खरगोश ने उस बूढ़े आदमी से क्या कहा? महाराज आप रुको, मैं आपके लिए झरने का मीठा पानी लाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं प्यासा नहीं, मैं भूखा हूँ, मुझे प्यास नहीं भूख लगी है। तो बूढ़े आदमी ने खरगोश से क्या कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। खरगोश ने कहा, महाराज मैं हरी घास खाता हूँ, यहाँ की हरी घास बहुत कोमल और मीठी है, क्या आप हरी घास खाएंगे? तो खरगोश ने बूढ़े आदमी से क्या कहा, महाराज मैं आपके लिए हरी घास लेकर आता हूँ, यहाँ की घास है जो वो बहुत कोमल और मीठी है, कोमल नरम, तो आप हरी घास खाएंगे? नहीं, मैं हरी घास नहीं खाऊंगा, मैं खरगोश नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। तो बूढ़े आदमी ने खरगोश से क्या कहा कि मैं घास नहीं खाऊंगा, मैं मनुष्य हूँ। महाराज मैं अभी हरा साग लाता हूँ, यहाँ का हरा साग स्वादिष्ट है, क्या आप हरा साग खाएंगे? खरगोश ने बड़े आदर से कहा। तो खरगोश ने बूढ़े आदमी से कहा, महाराज मैं आपके लिए हरा साग लाता हूँ, यहाँ का जो साग है वो बहुत खाने में अच्छा है, क्या आप हरा साग खाएंगे? नहीं नहीं, मैं हरा साग नहीं खाऊंगा, मैं मांस खाता हूँ, मैं मांसाहारी हूँ, मुझे खाने के लिए मांस दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यह कहकर बूढ़ा आदमी चिल्लाया, जल्दी करो, मैं भूख से मर जाऊंगा। तो बूढ़े आदमी ने खरगोश से क्या कहा कि मैं साग नहीं खाऊंगा, मैं तो मांसाहारी हूँ, मुझे मांस खाना है, मुझे खाने के लिए मांस दो, मुझे कई दिनों से मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर बूढ़ा आदमी खरगोश पर चिल्लाया, जल्दी करो, मैं भूख से मर जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कहिए, मैं अभी आता हूँ, आप वहीं ठहरिए। वह कहकर खरगोश तेजी से दौड़ा। खरगोश ने बूढ़े आदमी से कहा, नहीं महाराज आप ऐसा मत कहो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर खरगोश चला गया। खरगोश सूखी लकड़ियाँ लेकर आया, उसने सूखी लकड़ियों में आग लगाई। फिर वह बोला, महाराज मेरे शरीर का मांस स्वादिष्ट है, आप मेरा भोजन कीजिए। यह कहकर खरगोश जलती आग में कूद गया, लेकिन आग ने उसे नहीं जलाया। जो खरगोश था वो क्या, बूढ़े आदमी के लिए लकड़ियाँ लेकर आया, उसने सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। फिर वह बोला, बूढ़े आदमी से बोला कि महाराज मेरे शरीर का जो मांस है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट, मतलब टेस्टी है, आप मेरा भोजन कीजिए। यह कहकर खरगोश जलती आग में कूद गया, लेकिन आग ने उसे जलाया नहीं, तो खरगोश को पकड़ा नहीं आग ने। बूढ़े आदमी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और सीने से लगाकर कहा, मेरे प्यारे नन्हे जीव, मैं ईश्वर का दूत हूँ। बूढ़े आदमी ने खरगोश को अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगाते हुए कहा कि मेरे नन्हे जीव, मैं ईश्वर का जो भेजा हुआ एक दूत हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है, तुम्हारा त्याग देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपने जो मेरे ऊपर कुर्बानी की है मैं इससे
बहुत खुश हूँ। तुम बहुत दयालु हो और त्यागी हो। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें याद रखें, वे तुम्हारे इस महान त्याग की चर्चा करें, वे तुम्हें प्रतिदिन देखते रहें। तो बूढ़े आदमी ने खरगोश से क्या कहा कि तुम बहुत दयालु हो और बहुत त्यागी हो, आपने अपना त्याग कर रहे हो, आप अपनी कुर्बानी दे रहे हो मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें, वे तुम्हें प्रतिदिन देखते रहें। इतना कहकर ईश्वर के दूत ने खरगोश को चंद्रमा पर रख दिया। तभी से चंद्रमा पर एक सफ़ेद खरगोश दिखाई देता है। इतना कहकर जो ईश्वर के दूत था उसने खरगोश को क्या चंद्रमा पर रख दिया। आपने कभी चंद्रमा को देखा होगा, आप उसे ध्यान से देखें तो उसमें एक सफ़ेद रंग का खरगोश दिखाई देता है। धन्यवाद।